जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत प्रतापगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. योगेश कनौजिया ने कहा कि मांग और आपूर्ति के लिए जैव ईंधन के प्रयोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। पशु सखी महिलाएं हैं जो राजजीविका से जुड़ी हुई है, उनको हम 50-50 के ग्रुप में 4 प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें ये दूसरा प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत हम जो गांव में जो खाली जमीन पड़ी है, जो चरागाह पड़ा हुआ है या जो बंजर जमीन पड़ी हुई है, उस जमीन के उपयोग के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस जमीन पर ये जो तेल वाले जो पौधे हैं, जिसमें रतन जोत हुआ, करंज हुआ, महुआ हुआ, नीम हुए, ऐसे पौधे अगर उगाए समूह बनाकर, तो उसमें सरकार की तरफ से भी इनको अनुदान है, जिसमें 3 साल तक इनको उन बगीचों का ध्यान रखना है। इसमें 3 साल के बाद में जो फल आएंगे वो कृषि जो समूह है वो गवर्नमेंट में जमा कराएंगे, उसका उसको पैसा मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका बढ़ेगी। ये राजस्थान के लगभग सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं।